गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री विच इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर. व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है. औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स. ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया. मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे. उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था. आफ्टर हिज डेथ इन 1707 में उनकी मृत्यु के बाद मैनी मुगल गवर्नर्स यानी सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स. 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे. एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी. और जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, देल्ही कुड नो लोंगर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर. दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावशाली केंद्र के रूप में नहीं रह सकी. बाय द सेकेंड हाफ द 18th century, हाउ एवर ए न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजॉन द ब्रिटिश. 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी. डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली कम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज. क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी. हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ ए वर्स्ट एम्पायर. इन द चैप्टर यू विल सी हाउ दिस कम अबाउट. तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे. इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ. आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर कंटिन्यूड टू बी सिंबॉलिकली इम्पॉर्टेंट. इन फैक्ट वेन ए मैसू रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन
1857 बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर एट द टाइम। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। द मुगल एम्परर एट द टाइम वाज सीन एज द नेचुरल लीडर वंस द रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी। बहादुर शाह जफर वाज फोर्स टू लीव द किंगडम एंड हिज सन्स वर शॉट इज कॉल्ड ब्लड। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात गेटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विथ द ईस्ट अर्थात इजाजत नामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। दिस मीन्ड दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कंपेयर विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस इजाजतनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। विद द चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाई गुड्स एट ए चीप प्राइस। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कंपेंसन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपेंसन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड
सेल्ड ईयर। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। द रॉयल चार्टर हाउ एयर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द कैप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करने तक करते केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered the sea route to India in 1498. पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। बाई द अर्ली 17th century द डच टूवर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द स्कैन। सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। पर क्लोव्स कार्डेमोम सिनेमोम टू वर इन ग्रेट डिमांड। इनके अलावा
काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। कंपेंसेशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज इनवेटिवली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न्ड। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती स्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वाज बाय एलिमेंटिंग राइवल कंपेटिटर्स राइवल कंपटीटर्स द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फायर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब इन वाणिज्यिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरीज दे रेगुलरली शंक ईच अदर शिप्स ब्लॉक डेड रूट्स एंड प्रिवेंटेड रिवाइल शिप फ्रॉम मूविंग विथ सप्लाइज ऑफ गुड्स। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। ट्रेड वाज कैरीड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू फॉर्टिफिकेशन। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। दिस फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर्स। अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ।
ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेस फेयर कंपनी ऑफिशियल्स सेट। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। बाय 1696 इट बिगन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। टू ईयर्स लेटर इट ब्रीडेड मुगल ऑफिशियल्स इन टू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेज। दो साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। वन ऑफ दीज वाज कालीकट विच लेटर ग्रेव इन टू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज नॉन टूडे। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। इट आल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू ए फरमान ग्रेटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान क्या होता है? ए रॉयल एडिक्ट ए रॉयल ऑर्डर यानी एक शाही आदेश। द कंपनी ट्रीड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मनीपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज।
कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइट वर एक्सेप्टेड टू पे ड्यूटी। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। दिस दे रिफ्यूज टू पे कजिंग एंड इनॉर्मस लूज ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई, ऐसे में भला मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों न करते। थैंक यू।